आज मैंने बनाया भेज मंचूरियन, तो आइए देखते हैं कैसे बनाया। मंचूरियन बनाने के लिए अदरक, हरी मिर्ची, बंदा गोभी, गाजर, और मैंने शिमला मिर्च लिया, और ये प्याज, मैंने सारी चीज एक बाउल में ले लेते हैं। डालेंगे नमक और डालेंगे इतने से अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, और थोड़ा से काली मिर्ची पाउडर क्रश किया हुआ है, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और मैदा मैंने मिक्स कर लिया, 2 टेबलस्पून डालेंगे जरूरत के हिसाब से, और डालेंगे आप हमें से मिक्स करके बॉल बना लेना है। थोड़ी से हल्का से मैंने पानी ऐड करेंगे ताकि मॉइस्ट होके बॉल बना लेना है। देखिए अभी हो गया मिक्सर, अब इसमें से बॉल बना के फ्राई करेंगे। कड़ाई पे मैंने ज्यादा करके तेल डाल दिया क्योंकि इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। मैं थोड़ा सा बैटर इसमें डाल के देखती हूँ। हाँ, तेल मेरा प्रॉपरली गर्म हो गया। अभी एक एक करके हमने जो बॉल एक साथ मैंने बना के रेडी कर लिया, एक एक करके बॉल हमें इसमें डाल देना है। मैंने सारे बॉल एक साथ डाल दिया, एक साइड ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम सारे बॉल को पलट लेते हैं। देखिए इसका ब्राउनिश कलर आ गया, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया। मैंने धीरे धीरे गैस को स्लो करके धीरे धीरे पलट पलट के फ्राई किया। अगर गैस हाई फ्लेम करेंगे तो ये पूरा ऊपर से फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए मेरा सारे बॉल फ्राई हो गया, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और एक कढ़ाई ले लिया, गरम हो गया, हम इसे 2 टेबलस्पून तेल डाला, प्रॉपरली गरम हो गया। अब हम गार्लिक और हरी मिर्ची इसमें डाल के पहले फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया। अब हम प्याज और कैप्सिकम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इसको हम ज्यादा फ्राई नहीं करना, ये हल्का ब्राउन होने से ही हम इसमें सॉस डाल देंगे। ये देखिए कैप्सिकम और प्याज हल्का से ब्राउन हो गया, हम गैस को थोड़ा स्लो करके सॉस डालेंगे। अब हमने टमाटो सॉस डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, सोया सॉस और टोमेटो सॉस एक एक टेबल स्पून करके डाल दियो। और डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने भेज बॉल में भी नमक डाला था, तो इसे हमें फ्राई करना है। और थोड़ी से काली मिर्च पाउडर इसमें डालते हैं। ये मसाला फ्राई हो गया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी ज्यादा ही डाल दिया क्योंकि इसमें बॉल डाल के ग्रेवीदार बनाना है। पानी बॉयल होने लगा, अब हम ये सारे मंचूरियन इसमें डाल देंगे ताकि ये इसका साथ सॉफ्ट हो जाए, और इसे थोड़ा से हिला देंगे। इसमें 2-3 मिनट उबालना है, और मंचूरियन बॉल इसमें डालते ही थोड़ा से फूल के और भी मोटा मोटा हो रहा है। अब डालेंगे मैंने 2 टीस्पून
कॉर्नफ्लावर घोल लिया। अब इसके पानी के साथ कॉर्नफ्लावर का घोल डाल देंगे और कंटिन्यू हिलाते जाएंगे, नहीं तो आपका लम्स बन जाएगा। देखिए कलर बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसे हम हाई फ्लेम में कंटिन्यू ऐसे स्टीर करते जाना है। और अब दिया थोड़ा से अजिनोमोटो। अजिनोमोटो डालने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है। जिन लोगों को पसंद नहीं है वो लोग ना डाले, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून हनी। इसमें शुगर डाला जाता है, हमेशा हनी डालती हूँ। इसका बहुत ही अलग फ्लेवर होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, आप भी कभी ट्राई कीजिए। इधर हो गया और ग्रेवी भी अच्छी तरह बन गया। अब हम इसे नमक टेस्ट करके इसे उतार लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलरफुल एंड ग्रेवीदार बना। चावल के साथ खाना है तो थोड़ा ग्रेवी रखिए, और आप ड्राई भी बना सकते हैं। तो मेरे ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन टैप करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेक केयर।